मॉर्निंग 10th क्लास इन द मीडियम स्टैंड मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। और कैसे बेटा आप घर पे रहकर अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हो बेटा, और करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। जो टॉपिक आपने समझ में आया वो पूछ भी लिया करो, वो भी अच्छी बात है। हम बात कर रहे थे बेटा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा डॉबेराइलर, और डॉबेराइलर ट्रिक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूलैंड ऑक्टेट, न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म। देखो पहले जो ट्रिक पढ़ा, ट्रिक का मतलब है तीन तीन तत्वों के समूह, तीन तीन तत्वों के समूह को ट्रिक कहते हैं। और अष्टक सिद्धांत में प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म की पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था डॉबेराइलर के ट्रिक और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। फिर हमने कल स्टार्ट किया था मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं उनकी हमने बात की थी। ठीक है बेटा, अब जिन लड़कों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा न्यूरल तंत्रिकोष का, तो ये तंत्रिकोष का चित्र बेटा इंग्लिश मीडियम का है, आपको मैं शायद पहले पढ़ा चुका, कंप्लीट हो गया आपका। तो ये चित्र यदि किसी नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो तो देख लेना। ये इसके मेन भाग है, डेंड्रोइट, कोशिका, केंद्रक, एक्सॉन और सिनेप्टिक, ये कंप्लीट जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, आपने पढ़ लिया। तो हम बात कर रहे थे बेटा मेंडेलीव की आवर्त। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी जो बनाने का श्रेय है वो मेंडेलीव को जाता है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडेलीव को जाता है, इसलिए मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल इज कॉल्ड मेंडेलीव। मेंडेलीव का पूरा नाम है डमित्री इवानोविच मेंडेलीव। ठीक, तो कल हमने बात की मेंडेलीव की आवर्त सारणी, जिसमें हमने शायद उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। आज हम बात करते हैं उसी में से मेंडेलीव का आवर्त नियम, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया। पेरियोडिक लॉ ऑफ मेंडेलीव का आवर्त नियम। आपने कल पढ़ा कि मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। दूसरी बात, मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने आधार क्या बनाया? परमाणु भार। परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो इनके अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इसे कहते हैं मेंडेलीव का आवर्ती। तत्वों के गुणधर्म, अब गुणधर्म चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पेरिडिटी ऑफ एटॉमिक वेट। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के समय तत्वों की संख्या हुई थी 63, 63 एलिमेंट प्रेजेंटेड मेंडेलीव टाइम। मेंडेलीव के समय 63 तत्व। अब मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में 6 बनाए आवर्त और 7 बनाए वो 8 बनाए वर्ग, तो 8 से 48 तत्व रखेंगे, बाकी तत्व 63 थे, उनको कैसे सेट किया होगा? तो ये सेट करना ही उनकी थोड़ी गलती रह गई, क्योंकि उन्होंने एक ही कॉलम में दो दो तीन तीन तत्व रख दिए, इसके बावजूद कुछ तत्व कुछ कॉलम खाली भी छोड़े। खाली छोड़ना वो भी जायज था, क्यों छोड़ा मैं बताऊंगा। तो मेंडेलीव के अंदर अपनी सारणी में उन्होंने 6 आवर्त बनाए, 8 वर्ग बनाए। अब वर्ग आवर्त क्या है इसकी भी मैंने चर्चा कल कर ली थी कि जितनी भी 36 पंक्तियां है, 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ये पंक्ति इनको कहते हैं 36, ये तो कहलाते हैं आवर्त। और ये होती है ऊर्ध्वाधर पंक्ति, इन्हें कहते हैं वर्ग या समूह। ठीक है, तो 36 पंक्ति कहलाते हैं आवर्त और ऊर्ध्वाधर कहलाते हैं वर्ग या समूह। तो इनकी सारणी में 6 आवर्त थे
और आठ वर्गीय समूह थे। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज पहले तो आप एक परिभाषा लिखाऊंगा आपको, मेंडेलियन का आवर्त नियम। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेगा। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, अब ये गुणधर्म चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, इसे मेंडेलिव का आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आवर्त नियम, और हम बाद में पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम। और आधुनिक आवर्त नियम में क्या करेंगे, आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु की भार की जगह संख्या करेंगे, बस अब कोई चेंज नहीं करना। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर चार नियम है, एक त्रिक नियम, अष्टक नियम, मेंडेलियन का आवर्त नियम, और अगला पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडेलियन की। अगला टॉपिक आ रहा है या वो भी लिखना चाहते हैं, मैं आधुनिक आवर्त नियम वो हेनरी मेंडेलियन की सारणी का है, पढ़ाऊंगा तो बाद में लेकिन याद हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार हम कहेंगे कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या भागी जाए संख्या करनी, संख्या का मतलब होता है प्रोटोन की संख्या, और परमाणु भार का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की संख्या, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है, जबकि प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे मेंडेलियन की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल। देखिएगा उपलब्धि सुनिए, सबसे पहले मेंडेलियन ने अपनी आवर्त सारणी में जो सबसे अच्छा किया तो वो ये किया कि मेंडेलियन ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। मेंडेलियन ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, और उन रिक्त स्थानों का छोड़ना ही मेंडेलियन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मेंडेलियन ने सोचा कि आगे जिन तत्वों की खोज होगी उन तत्वों को सारणी की व्यवस्था को छेड़े बिना स्थापित कर दिया जाएगा, कि जो भी नया तत्व खोजा जाएगा उस तत्व को उसके गुणधर्मों के आधार पर उसे उस तत्व के समीप ही व्यवस्थित कर दिया जाएगा। तो ऐसी सोच मेंडेलियन की थी, तो उन्होंने सबसे पहले खाली स्थान छोड़े, ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लेकिन खाली स्थान छोड़ने के साथ उन्होंने कमियां रखी, क्योंकि जब खाली स्थान छोड़ोगे तो कुछ तत्वों को आपको सेट करना पड़ेगा, एक ही कॉलम में दो दो तीन तीन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली उपलब्धि यह थी कि मेंडेलियन ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। जैसे यदि मैं कहूं, जैसे कहूं कुछ खाली स्थान छोड़े, क्यों छोड़े, कि कुछ तत्व थे उन तत्वों के गुणधर्म का आकलन नहीं था, तो उनके स्थान पर जैसे एका बोरोन, एका भाई बोरोन कार्बन नाइट्रोजन सब स्थापित हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोचा कि यदि ऐसे तत्वों की खोज हुई
एका बेरून, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। ठीक है, ऐसे तत्वों को क्या है, एका एक उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है एका, इसका मतलब होता है उस तत्व की समानता के आधार पर गुणधर्म, यानी जो जिसके समान हो। तो प्रारंभ में एका बोरोन, एका सिलिकॉन के आधार पर स्थान छोड़े, लेकिन बाद में ये सही साबित हुआ और एका बोरोन छोड़ा था तो एका बोरोन के स्थान पर जो तत्व पाया वो तत्व था स्केंडियम, स्केंडियम। ठीक है, जिसके गुणधर्म इससे मैच करते हैं। एका एल्युमिनियम के स्थान पर आया गैलियम और एका सिलिकॉन के स्थान पर आया जर्मेनियम। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए उपलब्धि में मेंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए, रिक्त स्थान छोड़ दिए। तत्वों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा, तत्वों को व्यवस्थित कर दिया जाएगा। उन्होंने एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के लिए रिक्त स्थान छोड़े, के लिए रिक्त स्थान छोड़े तथा गुणों का अनुमान लगाया, तथा गुणों का अनुमान लगाया जो बाद में सही सिद्ध हुआ, जो बाद में सही सिद्ध हुआ। अब सिद्ध क्या हुआ, एका बोरोन स्केंडियम था, एका एल्युमिनियम गैलियम था और एका सिलिकॉन जर्मेनियम था, तो ये तत्व इनके गुणों के समान थे इसकी इनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। या तो दूसरा पॉइंट लिख लो या उसी पॉइंट में ऐसे चल लिख लो और दूसरा पॉइंट में आगे लिख लो, उसको लिख लो, उसमें लिखना इसके बाद एका बोरोन के स्थान पर स्केंडियम, एका बोरोन के स्थान पर स्केंडियम, एका एल्युमिनियम के स्थान पर गैलियम तथा एका सिलिकॉन के स्थान पर, एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम रखा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख देना, इस सारणी का निर्माण
तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण एवं अध्ययन के लिए, एवं अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी रहा। ठीक है, तो ये थी मेंडेलिक की उपलब्धियां। इन उपलब्धियों के आधार पर ये जाना कि मेंडेलिक ने जो काम किया वो भविष्य को देखते हुए किया। उन्होंने अपनी कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की कि आगे ये होगा ये नहीं होगा, उन्होंने भविष्य को देखते हुए उन्होंने आवर्त सारणी को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन काम करा तो कमियां भी रह गई, और वो कमियां क्या थी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डालेंगे मेंडेलिक की आवर्त सारणी की कमियां। अब कमियां है क्या? कमी बड़ी स्पष्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे मेंडेलिक की आवर्त सारणी की कमी। सबसे पहली कमी क्या थी? मेंडेलिक ने 63 तत्वों में से जो सबसे पहला तत्व था हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को ही कहीं निश्चित स्थान अपनी सारणी में नहीं दिया। यह मेंडेलिक की सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि मेंडेलिक ने कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 धातुओं के समान है, यानी ये धातु और अधातु दोनों की तरह गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है, इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में स्थापित करना सरल काम नहीं था, क्योंकि परमाणु भार के आधार पर मेंडेलिक की आवर्त सारणी थी। तो सबसे पहली कमी थी कि मेंडेलिक ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया, और कहा कि हाइड्रोजन तो एक आवारा तत्व है जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने कि कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को आवर्त सारणी में अलग अलग कर दिया, जिनके गुणधर्म समान थे उनको अलग अलग वर्गों में रखा, और जिनके गुणधर्म असमान थे, अलग अलग थे, उन्होंने उनको एक ही वर्ग में स्थापित कर दिया। इसके अलावा देखिए, मेंडेलिक की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर आधारित थी, लेकिन कुछ स्थानों पर मेंडेलिक की सारणी परमाणु भार के आधार पर नहीं थी। जैसे यदि हम उदाहरण लें कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, यदि हम देखें कि कोबाल्ट का परमाणु भार निकल से अधिक है, कोबाल्ट का परमाणु भार निकल से अधिक है, फिर भी क्या किया? कोबाल्ट को पहले स्थापित कर दिया, जबकि परमाणु भार के आधार पर कोबाल्ट बाद में और निकल पहले होना चाहिए। लेकिन मेंडेलिक ने अपनी आवर्त सारणी में निकल से पहले कोबाल्ट को स्थापित कर दिया, क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.93 और निकल का है 58.93 किसका है? कोबाल्ट। ठीक है, जबकि निकल जो धातु है इसका परमाणु भार है 58.93 कोबाल्ट का है और निकल का है 58.73। तो कम तो किसका है? निकल का। तो निकल यहां आना चाहिए था, कोबाल्ट यहां आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आवर्त सारणी के एक ही कॉलम में उन्होंने फेरम, कोबाल्ट और निकल को स्थापित कर दिया, तीनों को स्थापित किया। चलो कोई बात नहीं, स्थापित किया, लेकिन परमाणु भार के आधार पर ये नहीं थे। इसका होता है 55.83, कॉलम तो एक ही था,
एक कॉलम में तत्वी लिख लिए परमाणु भार सही से जुड़े, परमाणु भार के आधार पर ये यहां होना चाहिए, ये यहां होना चाहिए, तो परमाणु भार का पालन भी कुछ स्थानों पर नहीं हो सका। तो ऐसी कई कमियों के कारण मेंडेल की आवर्त सारणी की कमियां रह गई और इन कमियों को भी दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। सन 1913 में हेनरी मॉडल के द्वारा जो परमाणु संख्या पर आधारित है और उसको हम आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसमें टॉपिक आते हैं मेंडेलिव की सारणी की कमियां, ठीक है। तो पहली कमी आप नंबर वन, पहली कमी है मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया। क्योंकि एक लाइन और लिख लो, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस वन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाइड्रोजन आवर्त तत्व है, कोई निश्चित स्थान नहीं है इसका। तो पहला या तो इतना ही रख लेना कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया, और ये अतिरिक्त चीज है। पूछ ले क्यों नहीं दिया, तो नहीं देने का कारण है इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वन एस वन, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अणु भी बना लेता है, इसलिए इसको निष्ठान नहीं दिया। दूसरी कमी लिखे, कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हुआ, कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं हुआ, जैसे लिखना चाहे जैसे कोबाल्ट का परमाणु भार निकल से अधिक है, कोबाल्ट का परमाणु भार निकल से अधिक है, फिर भी कोबाल्ट को निकल से पहले व्यवस्थित कर दिया, निकल से पहले व्यवस्थित कर दिया। एक कमी और लिखिएगा, कुछ समान गुणधर्म वाले, तीसरी कमी, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में तथा असमान गुणधर्म वाले तथा असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में
वर्ग में रख दिया। ठीक है, ये सही नहीं था, जो ये समान थे उनको अलग कर दिया, असमान थे उसको एक में रख दिया, लेकिन कुछ ही अलग थे वो सभी। तो कितनी कमी होगी? तीन। एक कमी होने देना। नंबर चार, इस सारणी में, इस सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे हाइड्रोजन की तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उनको कैसे व्यवस्थित करें? हाँ, तो इसलिए समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया सारणी में। तो ये इसकी चार महत्वपूर्ण कमियां हैं, और इन कमियों की देखते हुए भी मेंडेलीय की सारणी का अध्ययन काफी लंबे समय तक हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने सारणी बनाई, इसलिए उनको जनक कहा गया, लेकिन इस सारणी की कमियों को दूर किया आधुनिक आवर्त सारणी ने। आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपने आज के वीडियो में मेंडेलीय की आवर्त सारणी की उपलब्धियां पढ़ी, इसकी कमियां पढ़ी, और इसके नियमों का अध्ययन, आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम है उसका अध्ययन किया। इन सबको पढ़ के और आज इस टॉपिक को आप कंप्लीट करना, मेंडेलीय की सारणी यहां तक कंप्लीट है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कल बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो बेटा इस तरह आप रोजाना क्लियर करते जाएं, यदि आप पीछे रह जाओगे तो दिक्कत आपको ही आएगी, इसलिए पीछे नहीं रहना है, मेरे साथ चलते रहें। थैंक यू वेरी मच।